हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सी अभिषेक जैन है और मैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सब बताइए, आप सब लोग कैसे हैं? एक्चुअली मैं आप सब लोगों से पूरे साल भर से नहीं मिला हूँ। मेरी पूरे साल भर में मुश्किल से 2 या 3 वीडियो आई हैं। पिछले साल मैं कुछ ज़्यादा बिजी था तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का पर्पज है उन लोगों के लिए, मैं मेनली वाली वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे काफी सारे कमेंट्स किए हैं, मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा परेशान किया है मेरी एक वीडियो की वजह से जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विनिंग इनकम फ्रॉम प्लेटफॉर्म लाइक MPL, ड्रीम इलेवन एंड मैनी अदर प्लेटफॉर्म्स। सो वहां से जो फैंटेसी इनकम होती है उसकी टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड काफी सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो ये वही सारे डाउट्स आज मैं शॉर्ट में ये वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, खैर वो बात लास्ट में करूँगा, अभी फिलहाल वीडियो के ऊपर आते हैं। तो फ्रेंड्स, फैंटेसी गेम्स ये जो है, जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ड्रीम इलेवन, MPL और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ये एक्चुअली लॉकडाउन में बहुत ज्यादा ये वाले प्लेटफॉर्म को बूस्ट मिला है, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास कुछ था नहीं करने के लिए, और ऐसे उन लोगों ने ये एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म उन लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे लोग फुल डे वहाँ पे स्पेंड करते हैं और एक्चुअल में मनी अर्न कर सकते हैं अपनी स्किल वहाँ पे यूटिलाइज करके। अगर आपको पर्टिकुलर प्लेयर, उसकी टीम, वो प्लेयर्स के रूटीन्स के बारे में, किस तरह से खेलता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है, तो आप वहाँ पे बहुत ही बेहतर टीम बना सकते हैं। और टीम बना के वहाँ पे आप या एंटरटेनमेंट के साथ साथ में वहाँ पे पैसे भी कमा सकते हैं, तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा चला। अभी इसको पहले एक दो ऐप लेके आया, बाद में बहुत सारे ऐप आ चुके थे रिगार्डिंग दिस फील्ड। सो मेन जो कॉन्ट्रोवर्सी अराइज हुई after many people started to earn lakhs or crores of rupees on this platform, so main question came is that what happened about the tax which got deducted by those platform on those players' income? Like they deduct 30% tax on the income earned by a player, earned by the user, which is who is using those app. तो उसके ऊपर 30% टैक्स वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो अभी क्या करें, वो 30% टैक्स डिडक्ट कर लिया कि हमें वो टैक्स वापस मिलेगा कि नहीं, हम लोगों को रिटर्न फाइल करना होगा कि नहीं, वो टैक्स कब लगता है, उसके विड्रॉल पे लगता है या फिर विनिंग पे लगता है, या फिर टैक्स डिडक्ट ऑलरेडी कर लिया है तो उसका ITR फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने मुझे पूछे। मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि विनिंग इनकम को इनकम टैक्स में किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या प्रोविजंस है, मैंने वो प्रोविजंस वहां पे एक्सप्लेन की थी। लेकिन काफी सारे लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे आके कॉल करके काफी सारा, मतलब बहुत बहुत टाइम तक मुझे काफी कॉल आते रहे, तो मैंने आगे वो सर्विस जो है चार्जेबल कर दी कि अगर किसी को भी कंसल्टेंसी चाहिए तो डायरेक्ट इस तरह से फोन ना करे। आपको समझना चाहिए कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, सपोज आप किसी डॉक्टर के पास भी गए सिर्फ चेकअप करवाने के लिए, तो यू हैव टू पे फी। यदि आप फ्री में इस तरह से आप मुझे कंटिन्यू कॉल करते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे, तो मुझे अपने टाइम में से निकल के आपको टाइम देना, आपको समझाना है, पूरा समझाना है सब कुछ डिटेल में, तो यू हैव टू पे फीस। फ्री में ये सब नहीं कर सकता हूँ, मैं भी पूरा टाइम नहीं निकाल सकता हूँ हर एक यूजर्स के लिए, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, मैं किस किस को समझाऊंगा ये सब चीजें। तो मेन क्वेश्चन इज, अगर आप ड्रीम इलेवन में और ये सब चीजों में खेल के इतना पैसा वहां पे स्पेंड कर रहे हैं, तो एक कंसल्टेंसी लेने में बहुत यूजफुल रहेगी मेरे ख्याल से आपको। हर चीज फ्री में नहीं मिलती है फ्रेंड्स, और फ्री में जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू भी नहीं होती है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। खैर, अभी हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है विनिंग इनकम, तो विनिंग इनकम के ऊपर टैक्सेबिलिटी तो बिल्कुल स्ट्रेट वे गवर्नमेंट ने बताई हुई है कि यदि आपको विनिंग इनकम होता है तो उसके ऊपर 30% टैक्स है, और 30% टैक्स सीधा है, उसके ऊपर कोई खर्चा वगैरह कुछ भी माइनस नहीं होगा। यदि आपने वो करोड़ रुपीस अर्न करने के लिए 10 लाख 20 लाख खर्च किया, तो आपको वो खर्च जो क्या उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो इनकम आपने अर्न किया उसके ऊपर स्ट्रेट वे 30% टैक्स लग जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें कैच है बहुत ही बड़ा, जो गवर्नमेंट ने बताया है
और जो एक्चुअल में है उसमें एक फर्क है कि जो विनिंग है अर्निंग है बाय चांस बाय लक या फिर बाय स्किल बाय यूटिलाइजिंग स्किल. तो ये दो चीजों का ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है कि एक तो होता है कि हमने लॉटरी खरीदी, अब लॉटरी खरीदी तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ लॉटरी खरीदना है, वेट करना है और उसका जो रिजल्ट है वो प्री डिटरमाइन मतलब प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी नंबर डिसाइड किया हुआ है कि कौन सा नंबर को लॉटरी जीतने वाला है, तो ये सब डिसाइड रहता है. तो वो एक लक हो गया, चांस की बात हो गई. और ये चांस से लक से यदि कोई इनकम होती है तो उसके ऊपर 30% टैक्स स्ट्रेट वे डिडक्ट कर लेते हैं सामने वाले और वो आपको पे भी करना पड़ता है, उसको कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है. अदर है गेम ऑफ स्किल. तो जहां पे गेम ऑफ स्किल है जैसे कि ये MPL है, ड्रीम इलेवन के थ्रू आप जो खेलते हैं फंटेसी गेम वगैरह, तो वो सब गेम ऑफ स्किल में आते हैं. क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये जो है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने केस फाइल किया था कि हमने ये जो है पर्टिकुलर इतनी इनकम अर्न की है, इतनी इनकम के ऊपर हम इतना परसेंट टैक्स पे कर रहे हैं. और ड्रीम इलेवन के ऊपर भी ये जो है केस फाइल हुआ था. तो वहां पर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन गए, उन्होंने काफी सारे जो है रिप्लाईज दिए, रिस्पॉन्स सबमिट किए और बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया, हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और ये जो भी हैं सब सबका डिसीजन आया कि गेम ऑफ स्किल इज डिफरेंट देन गेम ऑफ लक और गेम ऑफ चांस. तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था उन्हें कि पर्टिकुलर कोई यूजर आता है हमारे प्लेटफॉर्म में, अपना अकाउंट बनाता है, एंट्री फी देता है, उसके बाद में उसने टीम बनानी पड़ती है और टीम बनाना ये कोई सादा बात नहीं है, ये स्किल का काम है. हर एक प्लेयर सेम टीम नहीं बना सकता है, यहाँ पे हर एक प्लेयर के सेम बहुत सारे रूल्स हैं और वाले रूल्स में जैसे जैसे वो आगे जाते जाएगा उसके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे. उसमें वो कैप्टन लिया तो डबल पॉइंट्स मिलेंगे, वाइस कैप्टन लिया तो 1.5 टाइम्स पॉइंट मिलेंगे, कैच का ये पॉइंट है, विकेट का ये पॉइंट है, ऐसे बहुत सारा जो है नॉलेज रिक्वायर्ड है ये गेम खेलने के लिए और स्ट्रेटेजी रिक्वायर है ये वाले गेम खेलने के लिए और बहुत कुछ लगता है. तो ये सब बाय लक नहीं हो सकता है, बाय चांस नहीं हो सकता है कि बाय चांस मैंने बना लिया और ये मुझे मिल गया, नहीं ऐसे नहीं होता है. यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज ऑफ प्लेयर, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ टीम, ये सब चीज की रिक्वायरमेंट है. और इस तरह से जो प्लेयर जो एकदम परफेक्ट टीम बनाता है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही टीम में से आपको प्लेयर लेने, आप कोई भी टीम से प्लेयर ले सकते हो और उस तरह से आप जीत सकते हो. तो ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स कि हाँ ये गेम ऑफ स्किल ही है जिसके थ्रू पर्सन अर्न कर रहे हैं, वो अपनी स्किल यूटिलाइज कर रहे हैं वाले बिजनेस में, उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं और जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो उनका इनकम है. तो जब जहां पे गेम ऑफ स्किल अप्लाई होता है वहां पे 30% टैक्स जो है और खर्चे अलाउड नहीं होना, वो जो प्रोविजन है विनिंग्स की वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है. तो यही आपके लिए मेन बात है जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं और मैं आपको बताना चाहता था. मैं आपको इसके ऊपर कुछ और मैं आगे वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा कि गेम ऑफ स्किल में कौन कौन से प्रोविजंस हैं और कौन कौन से जो केस लॉज हैं, कौन कौन से केसेस हुए हैं जो आप पढ़ भी सकते हैं कि वहां पे क्या डिसीजन आया और किस तरह से वो एग्जाम मतलब एग्जाम तो नहीं बोलेंगे कि वो इससे डिफरेंट है गेम ऑफ चांस से. तो फ्रेंड्स ये हुआ अब रिगार्डिंग कि इसका टैक्स किस तरह से लगाएंगे. पहले तो हमें उसे गेम ऑफ स्किल ट्रीट करना है और गेम ऑफ स्किल ट्रीट कर दिया अगर हमने तो फिर उसका जो खर्चा हुआ है वो आप पर्टिकुलर इनकम में से माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. और जो नेट इनकम होगी वो नेट इनकम पे ही आपको टैक्स लगेगा और टैक्स भी स्ट्रेट पे 30% नहीं होगा, स्लैब वाइज होगा. आपको स्लैब इनकम टैक्स स्लैब तो आपको पता ही होगा, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम दो हैं. ओल्ड रिजिम में जो था वही हमारा पुराना वाला था, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से अबव 30%. तो वही वाले स्लैब के थ्रू आपको टैक्स लगेगा. तो यदि सपोज आपने 10 लाख अर्न किए फंटेसी गेम से और 10 लाख पे आपका 30% 3 लाख रुपए टैक्स कट गया, तो आपको कितना जो है क्वेश्चन होता है सामने वाले का कि भाई मेरा 3 लाख रुपए टैक्स कट है, मुझे वापस रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो यस, आपको रिफंड मिल सकता है. आप रिटर्न फाइल करें, रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको स्लैब रेट
के बेसिस पे आपको टैक्स लगेगा, जो कि है कि 10 लाख तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं रहेगा, 5 to 10 वो 5 लाख तक आपको टैक्स रहेगा 1,12,500, क्योंकि आपका 5 लाख के ऊपर गई है तो आपको जो रिबेट जो है टीसी बनेगा वो आपको नहीं मिलेगा। तो 5 लाख से 10 लाख तक 20% या तो 1 लाख रुपए, और 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको लगेंगे 10% या तो 12,500 रुपए। तो टोटल 1,12,500 रुपए आपको टैक्स लगेगा, और 3 लाख में से इतना गया प्लस एजुकेशन से जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो आपको रिफंड मिलेगा। तो ये हुआ अबाउट टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस इनकम फ्रॉम फंटेसी। और इसमें से आप खर्चे भी रिडक्शन कर सकते हो बिल्कुल, जैसे कि 10 लाख है, 10 लाख में से आपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख तो रुपए आपने खुद ना पीजीएम से लगाए हैं, तो नेट इनकम आपको सिर्फ 6 लाख ही हुई। सपोज आपने 4 लाख लगाए हैं, 10 लाख अर्न किए हैं, तो नेट इनकम आपकी 6 लाख रुपए हुई। तो 6 लाख रुपए ही आपको टैक्स में टैक्सेबल इनकम ऑफर करना है, नेट इनकम आपको ऑफर करनी है, और उसके ऊपर जो भी टैक्स आएगा 1 लाख के ऊपर 20% 20,000 और 12,500, टोटल 32,500 आपको टैक्स लगेगा, और 3 लाख में से 32,500 गया तो आपको बैलेंस अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। या आप अदर सोर्सेस में दिखा सकते हैं वाली इनकम को नेट करके। तो आई होप आप में से बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स थे रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ इनकम एंड हाउ टू ट्रीट इट, तो ये क्लियर हुई होगी काफी तरीके से। और यदि आप लोग चाहेंगे कि मैं एक वीडियो भी बना के बताऊं हाउ टू फाइल रिटर्न ऑफ दिस काइंड दिस सोर्स ऑफ इनकम, तो आप मुझे कमेंट करें। यदि मुझे काफी सारे कमेंट आते हैं, लगभग 100 के ऊपर ही वाली वीडियो पे यदि मुझे कमेंट आते हैं, तो मैं आई विल ट्राई कि मैं कोई अच्छे से वीडियो बनाऊं जहां पर आपको मैं फुल डिटेल में एनालिसिस करके बताऊं कि किस तरह से आपको आपका खर्चा आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर, क्योंकि ये वाले गेम में जो पैसे डालते जाते हो आपको पता नहीं चलता कि आपने टोटल कितने रुपए डाल दिए हैं। तो किस तरह से आपको पता करना है कि टोटल मैंने कितना खर्चा किया, मुझे कितना बोनसेस मिले, कितना मेरा इनकम हुआ और कितना मुझे विनिंग हुआ, कितना विनिंग इनकम मैंने इसमें लगाई, वो सब कैलकुलेट करके आपको नेट निकालना पड़ता है कि मुझे टोटल इनकम कितनी हुई और मेरा टोटल खर्चा कितना था, नेट मेरी इनकम कितनी है। तो ये पूरी वर्किंग जो है किस तरह से करनी है और क्या इनकम हमें वहां पे शो करनी है, ये सब यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं डिटेल में, तो यस कमेंट कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो तो करते रहेगा। आगे मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा इंटरेस्टिंग, मैं सिलेक्टेड वीडियो बनाने वाला हूँ मैं डिटेल में, मतलब काफी सारी वीडियो तो मेरी नहीं आएंगी, बट जो भी आएगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप सबके लिए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर से, टेक केयर, सी यू।